गुड मॉर्निंग लिटिल चिल्ड्रन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर क्वाइट वेल एट योर होम, एंजॉइंग योर स्टडीज एज वेल एज योर हॉलीडेज. फर्स्ट ऑफ ऑल वील स्टार्ट आवर डे विद द प्रेयर. स्टैंड एट योर प्लेसेस, फोल्ड योर हैंड्स, जॉइन योर हैंड्स एंड डू प्रेयर. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आशा करती हूँ आप सब अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे. चलिए पढ़ाई शुरू करने से पहले आइए पहले भगवान से प्रार्थना करते हैं. सो स्टैंड अप ऑल ऑफ यू, नाउ जॉइन योर हैंड्स. Children, you know, in our previous class, we have started lesson number 3 of our reader book, Galileo and the Light. Today, we will continue that chapter, reading and explanation, both. Until few hundred years ago, it was assumed that the speed of light was infinite, when in actually it's just really fast, exactly 299,792,458 meters per second. जब कुछ सौ साल पहले तक तो ये माना जाता था कि लाइट इनफाइनाइट यानी कि अनंत है, और असल में तो ये बहुत तेज स्पीड से, बहुत तेज गति से, जैसे कि 299,792,458 meters per second की स्पीड से चलती है. The first known person to question the idea that the speed of light is infinite was the great Greek philosopher Empedocles in the 5th century BC. 5th century BC में ग्रीक फिलोसोफर Empedocles ने लाइट की स्पीड इनफाइनाइट है इस सवाल का आइडिया देने वाले वे पहले इंसान थे. अ फ्यू इयर्स लेटर द ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल डिसएग्रीड विद Empedocles एंड इंसिस्टेड दैट द स्पीड ऑफ लाइट वॉज इनडीड इनफाइनाइट एंड द आर्ग्यूमेंट कंटिन्यूड बैक एंड फोर्थ फॉर मोर इयर्स more than 2000 years until Galileo stepped in.
कुछ साल बाद ग्रीक फिलोसोफर अरिस्टोटल ने एम्पिडोसल से बिल्कुल डिसएग्री किया और इस बात पर जोर दिया कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो इनफाइनाइट है और ये आर्ग्यूमेंट 2000 ईयर से भी ज्यादा आगे पीछे चलता रहा जब तक कि गैलीलियो ने इसमें स्टेप नहीं लिया, आके कुछ बीच बचाव नहीं किया। गैलीलियोस मेथड फॉर मेजरिंग लाइट वॉज क्वाइट सिंपल। ही एंड हिज असिस्टेंट स्टूड विद टू लिट लैम्प्स अ माइल अपार्ट एंड बाय कवरिंग एंड अनकवरिंग द लैम्प्स दे ट्राइड टू डिड्यूस इफ देयर वॉज एनी टाइम लैग बिटवीन द टू। गैलीलियो का लाइट को मेजर करने का तरीका बहुत ही सिंपल था। वो और उनका एक असिस्टेंट दोनों दूर दूर जाकर खड़े हो गए और अपने हाथों में जलते हुए लैंप्स पकड़ लिए। वो कभी उसको कवर करते थे और कभी उसको अनकवर करते थे और इस तरह से उन्होंने दोनों के बीच में कवर अनकवर करके दोनों के बीच में परिणाम जानने की कोशिश। बट द इम्पोर्टेंट थिंग हियर इज नॉट द सक्सेस और द फेलियर ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज दैट गैलीलियो मेड अ स्टार्ट बाय नॉट एक्सेप्टिंग The old theories without any scientific evidence। अब लेकिन यहाँ पर ये important नहीं था कि ये success या है failure, ये experiment कोई success है या फिर failure है, ये important नहीं था। यहाँ पे क्या important था, गैलीलियो ने क्या कहा कि जब तक कि वो कोई scientific evidence नहीं है तब तक वो इस थ्योरी को नहीं मानेंगे। नाउ इट्स टाइम फॉर वोकैबुलरी। नंबर वन, इवेंट। द मीनिंग इज प्लान्ड पब्लिक और सोशल ओकेजन। एंड द सेंटेंस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट इन माय लाइफ वाज माय विजिट टू दुबई। नंबर टू, एनलार्ज। The meaning is to make something bigger. If you enlarge your computer screen, it is much easier to see the images than if you kept them smaller. Number three, elevate. Now meaning is to move something to a higher place. The sentence is good books can elevate our mind. Number four, effect. The meaning is a change that is caused by something. And the sentence is the value of culture affects the personality. Number five, emotion. The meaning is a strong feeling or excitement. The sentence is she became emotional about many things. Now today we will do page number 6 of our cursive writing book. First of all, see how we can write the letters. Madras, M A D R A S, Madras. C H E N N A I, Chennai. C O C H I N, Cochin. K O C H I, Kochi. P E
R S I A Persia. I R A N Iran. Like this you have to complete the page number 6. Now children, you all know about, you all have heard about pandemic disease which is spreading all over the world. Yes, it's COVID-19 coronavirus जो कि बहुत फैला हुआ है पूरे वर्ल्ड में. इसके बारे में आपको सबको बहुत कुछ पता है. एंड यू नो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ टू प्रिवेंट फ्रॉम दिस डिजीज. इस डिजीज से बचने के लिए अपना रख रखाव अच्छे से आपको खुद ही करना है. वट यू हैव टू डू इज, क्या करना है आपको, वॉश योर हैंड्स रेगुलरली फॉर 20 seconds विद हैंड वॉश. हैंड वॉश से अपने हाथों को अच्छे से 20 seconds तक आपने वॉश करना है, अच्छे से क्लीन करना है, आगे पीछे से सब तरफ से अच्छे से. मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, अपने आप को दूसरों से दूर रखना है, बिल्कुल साथ साथ नहीं रहना, डिस्टेंस बना के रहना है, एटलीस्ट 1 meter दूर रहना है, 3 feet की दूरी होनी चाहिए हमारी. एंड स्प्रे स्मॉल लिक्विड ड्रॉपलेट्स ऑफ सैनिटाइजर ऑल्सो अपने हाथों पे, जो सैनिटाइजर है वो भी लगाना है, सैनिटाइज करना है अपने हैंड्स को. अवॉइड गोइंग टू क्राउडेड प्लेसेस, भीड़ भाड़ वाली जगहों पे नहीं जाना है. अवॉइड टचिंग आईज नोज एंड माउथ, अपनी आईज को नोज को और माउथ को टच नहीं करना है. मेक श्योर यू एंड द पीपल अराउंड यू फॉलो गुड रेस्पिरेटरी हाइजीन. आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप और आपके आसपास वाले लोग अपने आप को साफ सुथरा रखें, अपने आप को नीट एंड क्लीन रखें. स्टे होम एंड सेल्फ आइसोलेट इवन द माइनर सिम्टम्स सच एज कोल्ड कफ एंड हेडेक. अवॉइड गोइंग आउटसाइड इफ यू आर हैविंग सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स. घर में रहना है, बाहर नहीं जाना. अगर आपको खांसी जुकाम कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, हेडेक है, तो अपने घर में ही रहिए, घर से बाहर मत जाइए. चिल्ड्रन आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर वेरी वेल. नाउ यू हैव टू रीड द चैप्टर एंड अंडरलाइन द प्रोनाउंस इन इट. In the next session, we will take up the bookwork. Till then, bye-bye. Take care of yourself.